हम देख रहे हैं वीकली वीकली मार्केट रिव्यू। आज हम जानेंगे कि नेक्स्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट क्या होगा और कौन कौन से स्टॉक्स में हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। अगर हम देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक इंटेंगल्स में नहीं चल रही है, मीन्स जिस तरीके से जो निफ्टी का बिहेवियर है वो डिफरेंट है और बैंक निफ्टी का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है। बैंक निफ्टी पे हमको सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। अगर हम लोग वीकली देखें या मंथली देखें, अगर हम मंथली अगर हम कंपेयर करें निफ्टी को, तो निफ्टी ने जो हाई बनाया था प्रीवियस हाई, वहां से निफ्टी ने कहीं कहीं 61 पॉइंट के ऊपर रिट्रेसमेंट किया है। मींस जो निफ्टी फॉल हुआ है उस फॉल से 61 पॉइंट तक ऊपर चला गया है। मींस अगर 100 रुपया नीचे गिरा है तो वो 60 रुपया वापस ऊपर बढ़ गया है। मगर बैंक निफ्टी अगर 100 रुपया बैंक निफ्टी नीचे गिरा है तो सिर्फ 38% का रिट्रेसमेंट हुआ है। मींस अगर वो सिर्फ 38 रुपया ऊपर गया है, मतलब बहुत बड़ा गैप है। और अगर हम लोग मंथली कंपेयर करें तो उसी तरीके से अगर हम लोग हायर हाई और हायर लोज की बात करें, तो जो निफ्टी ने प्रॉपरली हायर हाईज हायर लोज हायर हाईज हायर लोज बनाए हैं, और जो बैंक निफ्टी है उसने अपने प्रीवियस हाई को मींस ब्रेक नहीं किया है। जैसे कि एक कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सिग्नल जाता है। अगर मैं निफ्टी का हाई बोलूँ तो निफ्टी ने 10,631 का कहीं ना कहीं 3 जुलाई को हाई बनाया कहीं, और वहीं बैंक निफ्टी ने वो हाई ब्रेक नहीं किया है 3 जुलाई को। बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं 22,344 का एक हाई बनाया 3 जुलाई को। तो उसने अपने प्रीवियस हाई को, जैसे कि निफ्टी ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, जो निफ्टी का प्रीवियस हाई था 10,539 उसको ब्रेक किया, मगर बैंक निफ्टी ने वो ब्रेक नहीं किया है। दैट इज अ नेगेटिव सिग्नल। वैसे मंथली पे भी वो काफी नीचे है, और कहीं ना कहीं अगर मैं निफ्टी का एक सपोर्ट लेवल बोलूं जो बहुत ही उसका स्ट्रांग सपोर्ट होना चाहिए, वो है 10,194। अगर बैंक निफ्टी ने अगर 10,194 को ब्रेक कर दिया तो हम लोग उसमें सेलिंग प्रेशर देखेंगे और शायद और नीचे जा सकता है। और वहीं और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अगर 20,900 ब्रेक करता है तो वो भी काफी नीचे जा सकता है। वैसे हमारा ऐसा अजम्पशन है कि नेक्स्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में सेलिंग प्रेशर होगा या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और मार्केट नीचे रहेंगे। और जैसे कि अगर हम कोई स्टॉक अगर 100 रुपीज से गिर के अगर वो 50 रुपीज हो जाए तो हम उसे कहते हैं कि वो 50 रुपया गिर गया और वो 50% गिर गया। मगर जब उस स्टॉक को 50 रुपए से वापस 100 रुपया होना है तो हमको उसको कहना पड़ता है कि वो 100% बढ़ गया। तो मीन्स जब वो गिरता है तो इट्स 50%, और जब वो बढ़ेगा तो 100%, मतलब बढ़ने के जो चांसेस हैं उसमें प्रेशर ज्यादा होता है और गिरना इट्स वेरी इजी। अगर हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए अगर स्टॉक अगर हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें तो हमको बैंकिंग जो स्टॉक्स है थोड़े से अवॉइड करने चाहिए। बैंकिंग स्टॉक में पोजिशन बनाना हम लोग बाय कर सकते हैं। एशियन पेंट है, बाद में एचयूएल है, ब्रिटानिया है, अल्ट्राटेक सीमेंट और यूपीएल है। हम ये 5 स्टॉक देख सकते हैं अगर हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहें। स्पेसिफिक अपना भी आप स्टडी कीजिए कि आप कहाँ पे बाय और सेल कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटी कहाँ दे सकते हैं। नेक्स्ट वीक में हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों नेगेटिव दिख रही हैं, और हम लोग ने इसके पहले लास्ट वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी को पॉजिटिव अजम्पशन किया था और वो पॉजिटिव थी। जैसे ही हमारे 1,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे हम कोशिश करेंगे कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्लास चालू करें जिसमें कैश मार्केट, फ्यूचर, ऑप्शन, करेंसी, हर चीज़ हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब लाइव पे बता सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त और फ्रेंडशिप फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर कीजिए कि मार्केट की पूरी जानकारी। हम कोशिश करते हैं कि हम लोग वीकली मार्केट व्यू में हम लोग हमेशा आपको वीकली मार्केट क्या लग रहा है उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। नमस्कार।